गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो BBA सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने सम नंबर 1 और 2 आपको PDF में भी दिया है और उसका सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू दे दिया है, जिसको आप YouTube पे चेक कर सकते हैं। साथ ही अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं, जो कि बात करता है आपसे एवरेज कलेक्शन पीरियड की। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका क्या मतलब हुआ एवरेज कलेक्शन? कलेक्शन किससे करते हैं आप? डेटर से। एवरेज कलेक्शन पीरियड ये बोलता है कि औसतन औसतन एवरेज रूप से आप औसतन कितने दिनों में रिकवरी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? रिकवरी कर लेते हैं। और ये पीरियड जितना लो होगा उतना क्या माना जाएगा? बेस्ट। इसी का ठीक उल्टा होता है एवरेज पेमेंट पीरियड। हम किसी क्रेडिटर को कितने दिनों में पे करते हैं, तो ये लो होता है तो बेस्ट मानते हैं और उसका हाई होना बेस्ट मानते हैं। फिलहाल सवाल में लिखा है कैलकुलेट करना है। आप PDF ड्राइव से सारे सवालों को लिखिए, सवाल की इन्फॉर्मेशन को जॉट डाउन कर रहा हूँ मैं। टोटल सेल्स आपकी दे रखी 2 लाख। याद रखिए कि ये जो कलेक्शन है ऑब्वियसली कौन सी सेल का होगा? क्रेडिट सेल का। तो जो कैश सेल का फिगर है वो हटाइए, 40,000 बचा कितना? 1,60। उसमें से आपका सेल्स रिटर्न जो है वो है 14,000, तो बचता है 1,46,000। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये टोटल सेल्स है, ये कैश सेल्स है, ये आपका रिजल्ट बचा 1,60,000। इसमें से आपने सेल्स रिटर्न को बटाया घटाया तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फार्मूला होता है वो होता है फार्मूला होता है एवरेज रिसीवेबल अपॉन टोटल नेट क्रेडिट सेल। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड पे, इनटू 365 अगर दिन में करना है, वीक में करना है 52, मंथ में करना है 12। एवरेज रिसीवेबल वो होता है डेटर और क्रेडिटर। सवाल में देखिए डेटर दे रखे हैं 18,000 और 4,000, 18,000 और 4,000, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लास्ट वाले पॉइंट को इग्नोर करना है, प्रोविजन को। अब टोटल नेट क्रेडिट सेल, आपकी सेल कितनी थी टोटल? 2 लाख। उसमें से कैश सेल घटाई 60,40,000, बची कितनी? 1,60। ये कौन सी सेल हो गई? क्रेडिट सेल। लेकिन उसमें भी वर्ड मैंने यार यूज़ क्या करवाया? नेट। इसमें से आपको सेल्स रिटर्न को घटाना पड़ेगा, तो जो ये फिगर आया है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सवाल चूंकि दिनों में हो रहा है इसलिए गुणा करेंगे 365। हम इसको कैलकुलेट करते हैं फार्मूले को, 18,000 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाई 1,46,000 इंटू 365। 55 डेज आ रहा है, 54.99, और इसको बोल सकते हैं 55 डेज, क्योंकि फ्रैक्शन में डेज नहीं होते हैं। अब ये जो है 55 डेज, ये समय बता रहा है कि हम अपने डेटर से बेसिकली 55 दिनों में रिकवरी कर सकते हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला आपको सबको समझ में आ गया होगा, मतलब ये है कि आप अपने डेटर से कितने दिनों में रिकवरी कर सकते हैं। सपोज आंसर आ रहा 55, ये ए कंपनी का है, एक का आ रहा 45, ये बी कंपनी का, एक का आ रहा 36, ये सी कंपनी का है। रैंक बनानी हुई तो पहले नंबर पे ये आएगी, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। क्यों? जिसका पीरियड दिन लो होगा वो बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि सवाल की टर्मिनोलॉजी ही है एवरेज कलेक्शन पीरियड, आप कितनी जल्दी कलेक्ट करते हो। इसी का उल्टा या वाइस वर्सा है एवरेज पेमेंट पीरियड। उसमें फार्मूला फिर से वही सेम रहेगा, एवरेज रिसीवेबल की जगह हो जाएगा एवरेज पेबल, और टोटल नेट क्रेडिट सेल्स की जगह हो जाएगा टोटल नेट क्रेडिट परचेस। बाकी सवाल सेम रहेगा, उसमें ये रहेगा कि जिसका दिन ज़्यादा होगा उसको बेस्ट माना जाएगा और जिसके दिन कम होंगे उसको गलत माना जाएगा, क्योंकि हम किसके हिसाब से सोच रहे हैं? बिजनेसमैन के हिसाब से, और बिजनेसमैन यही चाहेगा कि उसके डेटर से उसको रिकवरी जल्दी हो। जैसे सी कंपनी में 36 दिन, बी में 45 और ए में 55 दिन है, तो वो ऑब्वियसली सी कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको इंटरप्रिट करना है। ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो क्रेडिट सेल की रिकवरी से संबंधित है। कैश सेल को इस पूरे सवाल में हम क्या कर रहे हैं? इग्नोर। क्यों कर रहे हैं इग्नोर? कारण है कैश सेल का कलेक्शन पीरियड से कोई लेना देना नहीं होता। अब हम अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।